कानपुर के चौबेपुर में विकास दुबे के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है। अपराध और अपराधी पर किसी भी प्रकार के रहम न दिखाने का प्रण कर चुकी प्रदेश की पुलिस अब उनको दूसरी दुनिया का रास्ता दिखा चुकी है। कारपेट नगरी भदोही में पुलिस ने बाल सुधार गृह रामनगर वाराणसी से फरार होने के बाद अपराध जगत में बादशाहत जमाने वाले दीपक ढेर कर दिया। दीपक उर्फ रवि पर अंबेडकर नगर में 15,000 और वाराणसी पुलिस का 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ भदोही पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान स्वाट थाना प्रभारी अजय सिंह भी जख्मी हुए। बदमाश को 2 गोलियां लगी हैं, जिसे फिर इसे भेजा गया तो अभी पता चला कि उसको मृत डिक्लेयर कर दिया गया है और एक बदमाश भाग गया है, जिसकी तलाश के लिए जिले की सभी टीमें लगी हुई हैं। सर, कहाँ के रहने वाले थे, क्या था इनका अपराध? अभी जो सुरियावां से और हमारे जो एक सिपाही ने पहचाना है, उस सिपाही को भी उसमें गोली मारी थी, जिसमें उसके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में जो हमारे स्वाट प्रभारी अजय हैं, उनको भी गोली पैर में लगी हुई है, उनको भी रेफर किया गया है। और पता चला है कि ये जो बदमाश है, ये सुरियाओं का रहने वाला है, इसका दीपक नाम है और ये जेल से फरार है। करीब 1.5 दर्जन मुकदमे इस पर हैं और इस पर 50,000 का इनाम भी है। 25,000 का इनाम हमारे यहाँ से है, 15,000 का इनाम हम। उमेश हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, कानपुर के कांड के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है और बदमाशों के सफाए में जुट गई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना जी बिल्कुल, जिस तरह से कानपुर कांड होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर काफी नाराज थे, यही वजह है कि हाई लेवल मीटिंग कर उन्होंने जो घटना करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही साथ यही वजह है कि आप देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। यही वजह है कि आप देखते बीती रात भदोही में 50,000 के इनामी अपराधी दीपक गुप्ता को मुठभेड़ में पुलिस ने उनको किराया है, ये हिरासत से जेल से फरार थे। साथ ही साथ कई जिले से इनके ऊपर इनाम था, तो कहीं कहीं ना कहीं अब जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसके निर्देश का अनुपालन होता दिख रहा है। यही वजह है कि लगातार मुठभेड़ में कहीं ना कहीं परास्त कर तलाकों के पीछे और इस दुनिया से भी ऊपर भेजने का काम कर रही है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।